हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल घर का स्वाद में। आज मैं कैपुचिनो की रेसिपी लेके आई हूँ, कैफे स्टाइल। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। हमें इसको बनाने के लिए या तो फिल्टर की ज़रूरत पड़ती है या मशीन की ज़रूरत पड़ती है। तो सबके घरों में फिल्टर मशीन नहीं होता है, इसके लिए मैं बहुत ही आसान सी रेसिपी लेके आई हूँ जो बिना फिल्टर बिना मशीन के बन के तैयार हो गई है और इसे हर कोई बना सकता है घर में। इस तरह से देखिए, 5 मिनट में हम इसे बना के तैयार करेंगे। ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा और ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो हम इसे बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे ताकि सारे लोग अपने घर पे इस तरह से कैफेचिनो बना के ले सकते हैं। चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए इसके लिए, हमें एक कटोरी ले लेते हैं। हम इसे कटोरी में बनाएंगे। इसमें हम डाल देते हैं 2 चम्मच कॉफ़ी। तो मैंने इस चम्मच से 2 चम्मच कॉफ़ी ली है। अब हम इसमें डाल देते हैं 4 टेबल स्पून चीनी। तो 2 चम्मच कॉफ़ी पाउडर में 4 चम्मच चीनी डाल दी है। तो हमें 2 कप बनानी है ये, और हम इसे मिक्स कर लेते हैं हल्का सा इस तरह से। अब हम डालेंगे इसमें हल्का सा गुनगुना पानी। तो मैंने ये गुनगुना पानी लिया है, तो 1.5 चम्मच में इसमें गुनगुना पानी डाल देती हूँ। पानी गुनगुना होना चाहिए। और हम इसे अब अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे खूब चम्मच से हिलाएंगे इस तरह से। और जैसे जैसे हम इसको हिलाते रहेंगे तो ये देखिए, इसका कलर लाइट होता जाएगा और एकदम गाढ़ा घोल बनेगा इसका। और जैसे हम इसको घोटते रहेंगे तो ये इस तरह का बनता जाएगा। देखिए, ये हमें 4-5 मिनट इस तरह से मिक्स करने के बाद देखिए, ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। तो ये देखिए, इतना गाढ़ा पेस्ट बन गया इसका, और इसका कलर देखिए एकदम लाइट हो गया है। जितना हम इसको ज़्यादा मिक्स करेंगे तो इसका कलर लाइट होता जाएगा। और ये पेस्ट हमारा तैयार हो गया है। देखिए, कैपुचिनो का ये इस तरह का हो गया। तो जो हम बनाएंगे अब इसका कैपुचिनो, इसके लिए हम 1 कप ले लेते हैं पहले। और दूध मैंने गर्म कर लिया है, तो पहले से ही दूध मेरा अच्छे से गर्म है। मैंने फिर से गर्म होने के लिए रख दिया है उसको। तो तब तक हम 2 चम्मच कैपुचिनो का पेस्ट इस कप में डाल लेते हैं। और इसमें हम अब गरम दूध डालते हैं। ये देखिए, इसमें थोड़ा सा ऊपर से और इसका पेस्ट डाल देते हैं हम कैपुचिनो का। तो ये देखिए, इसके ऊपर से हम डालेंगे थोड़ा सा चॉकलेट सिरप इस तरह से। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, या आपको पसंद है आप इसमें डाल सकते हैं। थोड़ा सा आप इसके ऊपर से चॉकलेट भी डाल सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा कैपुचिनो बनके तैयार है। और हमें ज़्यादा झाग वाली चाहिए तो हम इसमें थोड़ा सा दूध गर्म करके ऊपर से और इसका झाग डाल सकते हैं। और देखिए, ये इस तरह से मैंने इसको मिक्स कर दिया है। तो ये बहुत ही टेस्टी कैपुचिनो बनके तैयार है। ये देखिए, इसमें झाग देखिए कितना सारा झाग बना है, ये देख सकते हैं आप। और एकदम गर्मा गर्म कैपुचिनो हमारी तैयार है। हमने इसे बिना फिल्टर बिना मशीन के बना के तैयार किया है। और आप इसे 5 मिनट में बना के ले सकते हैं। चलिए इसका एंजॉय करते हैं हम भी, और आप भी करें बना के। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।